तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। भाई आज आप लोगों को कुछ अलग दिखाने वाले। तो आज मेरे पास एक फैन आया था रिपेयर होने के लिए, तो वही का आपको दिखाते कैसे रिपेयर होता है। थोड़ा बहुत सीख लो भाई तो काम आएगा। एकदम काला पड़ गया भाई, देखो सही से बहुत दिन हो गया ना, साफ भी नहीं हुआ ना सही से। देख रहे हो एकदम, देखो अंदर अंदर तक जो कि जो पंखा है ना, इसका पंखा में जो कि एकदम काला जो कि जम गया है। धूल बहुत ज़्यादा धूल है देखो इसके अंदर। इसको अभी अंदर साफ सफाई करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है कि भाई ये घूम नहीं रहा है, ठीक है। अभी इसको चलो हम चेक करके दिखा देता हूँ। अभी इसको करंट में हम चेक करके दिखाएंगे इसको, जो कि मेरा सीरीज बोर्ड है। इस बोर्ड से हम चेक करेंगे। अभी लगा देते हैं इसमें, देखो बोर्ड में लगा दिया है। अभी बोर्ड में कनेक्ट जो कि करंट आ चुका है। सीरीज में हम चेक करेंगे क्योंकि इसका प्रॉब्लम क्या है तभी पता चलेगा। फैन का देखो इसमें बोर्ड में लाइन है, आप देख रहे हो ना, देखो उसमें लाल बत्ती चल रहा है। तो इसमें चालू है फिर भी देखो इसमें एक दो नंबर पे दिया हुआ है, देखो देख रहे हो दो नंबर पे है, फिर भी इसमें क्या ना चालू नहीं हो रहा है। देख रहे हो फिर भी चालू नहीं हो रहा, दो नंबर पे है, ये तीन नंबर पे है, चालू नहीं है, ठीक है भाई। इसका कारण देखेंगे भाई किस वजह से घूम नहीं रहा है। तो इसको अभी खोलते हैं, खोलने के बाद दिखा दिए। पहले जो कि इसका जो भी है अंदर में जो कचरा है ना भाई, जो गंदगी है, तो गंदगी पहले साफ करता हूँ फिर बाद दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हमारे जो भी पंखा है ना, इसको भाई खोलते हैं। इसको खोलने के बाद इसको फाइनली हम एक बार अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि इसका अच्छी क्लीन जब तक नहीं करेंगे तो इसको रिपेयर करेंगे भाई फिर से धूल मिट्टी जम जाएगा। तो पहले हम इसको खोलते हैं और इसका जाली खोलने के बाद फाइनली इसका जो भी प्रोपेलर है, प्रोपेलर को भी खोलना पड़ेगा। पूरा अंदर से भाई एकदम क्लीन करेंगे, पूरा एकदम चकाचक रखेगा, क्योंकि जो भी धूल मिट्टी जो दिख रहे हैं ना काले काले से, सब कुछ निकाल लेंगे। तो पहले इसका जो प्रोपेलर है, फैन का जो प्रोपेलर खोल लेते हैं, कि उसका पंखे गए है ना ये वाला पहले खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद फाइनली हमारे जो कि है प्रोपेलर निकल गया, और इसका जो भी है ना ये रोटर वाला जो यहाँ पर पार्ट है, इसको हम थोड़ा साफ सफाई कर लेते इधर का, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल इधर भाई। तो ये वाला हम थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं साइड में। तो ये वाला साफ सफाई करने के बाद फाइनली हमारे वाला ये वाला जो कि है साफ सफाई हो गया। इसको साइड में रख देता हूँ, और ये वाला अभी प्रोपेलर जो कि है प्रोपेलर को थोड़ा साफ़ करता हूँ, क्योंकि इसमें काला काला बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल जम गया है। इसको काला कलर जो है ना उसको हटा देता हूँ भाई, एकदम सफ़ेद सफ़ेद से बहुत सुंदर सा लगेगा ये वाला। तो हमारे भी ये जो कि है ना प्रोपेलर भी हमारा साफ़ हो चुका है, और इसको भी अभी साफ़ कर लेंगे। इसका जो भी ऊपर का जो जाली है ना इसको भी साफ़ कर लेते हैं। देखो कितना भाई धूल मिट्टी गिरता है, क्योंकि बहुत दिन पुराना हो गया भाई, इसको साफ़ सफाई भी नहीं हुआ था। और इसका जो कि है अभी रिपेयर भी कर रहा, तो इसीलिए सोचा कि भाई इसको अभी साफ सफाई कर लेते सही से। और फाइनली हमारे जो कि है भाई साफ सफाई हो गया, इसको रिपेयर करते चलो। तो सबसे पहले जो कि है भाई फैन का नीचे वाले जो पार्ट है ना भाई, इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले जो कि है स्विच का काम होता है। तो इस यहीं से हमारे स्विच से ऑपरेट होता है, 1 2 3 है, इसको लो मीडियम हाई स्पीड यहीं से हम कंट्रोल करते। तो इसको स्विच में हम पहले चेक करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम खराबी नहीं है ना। इसका जो भी तार वगैरह कभी गल जाता है, कभी काट जाता है, कभी स्विच में भी प्रॉब्लम आता है। और इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा तो भाई ऊपर में जो भी कॉइल रहता है, तो कॉइल में उसमें सब कुछ हम चेक करेंगे, कॉइल का कोई भी तार वगैरह गला तो नहीं है, उसमें हमारे कॉन्टिनेंट सही आ रहे हैं कि नहीं, सही से हमारे रीडिंग आ रही है कि नहीं, सब कुछ चेक करेंगे। तो पहले यहाँ पर जो मेरे को थोड़ा स्विच में प्रॉब्लम लग रहा है भाई, ये वाला जो स्विच देख रहे हो ना भाई, इसमें थोड़ा तो प्रॉब्लम लग रहा है। इसी वजह से इसमें जो स्विच है उसमें थोड़ा काला काला जम गया है, इसमें डस्ट जम गया है, इसमें कार्बन जम गया है थोड़ा, और इसमें गल भी गया है। और इसका भी तार वगैरह हम चेक करेंगे भाई फाइनली, तार वगैरह जो भी है ना इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन भाई आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो इसमें कंडेंसर है, और जो कि इसमें हमारे जो कि स्विच वगैरह सब कुछ कनेक्शन एक ही साथ में है, और इसमें जा डायरेक्ट यहीं से जा रहा है भाई कंट्रोल होके हमारे जो कि कॉइल तक, ठीक है। तो हमारे नीचे में प्रॉब्लम दिख रहा है भाई, तो यहीं से हम पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है हम यहाँ पर सब कुछ सही कर देते हैं। तो यहाँ पर जो भी तार वगैरह हम सब कुछ सही करके अभी सीरीज बोर्ड में चेक करके देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो भी सीरीज जो वाल्व है ना भाई, इसमें देखो हम जब इसमें देख रहे तो इसमें करंट आ रहा है हमारे उधर से, ठीक है। तो इसमें इससे करंट आ रहा है, अभी सीरीज का जो भी वाल्व है वो भी जल रहा है। तो हमारे इधर का जो भी लाइन पक्का ओके है, ठीक है। और की इस वजह से हमारी फैन जो कि घूम नहीं रहा वो भी हम चेक करेंगे, क्योंकि भाई उसकी वजह से तो हम चेक करना है किस वजह से हमारे जो कि फैन नहीं घूम रहा है। तो पहले इसमें जो भी हम वायर कटर काटे थे ना, तार वगैरह जो भी, उसको हम सेलो टेप से जो कि ब्लैक टेप से हम इसको चिपका देते हैं, क्योंकि भाई इसमें शॉर्ट सर्किट होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है भाई। भाई इसका बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम था और बहुत ज़्यादा समय लगा था इसके लिए ना भाई, इसलिए हम वीडियो को भाई थोड़ा छोटा का पार्ट कर रहा हूँ, और इसलिए आपको वीडियो ज़्यादा नहीं दिखा पा रहे। इसका प्रॉब्लम था भाई स्विच में, प्रॉब्लम था इसका स्विच जो कि गल गया था, और इसका जो कि कॉइल का जो कि रीडिंग सही से भी नहीं आ रहा था। तो मैं वीडियो इसका जो कि भाई
एक घंटे के वीडियो हो गया था, क्योंकि मैं इसको टाइम लेप पर भी वीडियो बनाया था, फिर भी जो कि वीडियो भाई बहुत ही लंबा हो गया था, इसलिए भाई जो कि पार्ट्स मैंने काट कर दिया। जो भी पार्ट था इसमें नीचे वाला जो कि कंडेंसर था, थोड़ा कंडेंसर जो कि लो हो गया था, तो कंडेंसर मैंने नया लगा दिया था, और उसमें जो भी था हमारे जो स्विच था, स्विच एकदम गल गया था, मतलब जो हमारे कस्टमर था वो बोल रहा था इसमें नीचे में आग जल गया था, तो इसलिए हम स्विच चेक किया, स्विच भाई इसमें प्रॉब्लम था, स्विच हम सही कर दिया, जो कि कंडेंसर भी इसमें उच था मतलब ख़राब हो गया था, उसको भी हम चेंज कर दिया, और फाइनली भाई हमारे फैन ओके हो गया। अभी हम फिटिंग कर रहे सब कुछ, हम अभी नाट इसमें लगा देता हूँ, फिर नाट देने के बाद फाइनली हमारे जो कि फिटिंग जो जो पार्ट्स होते हैं उसको भाई देखते रहे एकदम सही से हम लगा देते हैं, और आपको फैन को चला कर दिखा देंगे भाई एकदम पक्का कैसे घूम रहा है ना भाई, बहुत मस्त से घूम रहा है, ठीक है। और इसका जो कि पीछे वाला जो कि नाट है इसको हम पहले टाइट कर देते हैं भाई, ये वाला जो कि मैंने टाइट कर दिया, और इसका जो कि अभी प्रोपेलर वगैरह सब कुछ हम फिटिंग कर देते हैं, जो प्रोपेलर है हम सही से इसको अभी ऑयल दे देते हैं, क्योंकि भाई इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर हो जाएगा ना भाई, पुराना हो जाता है तो पंखा है भाई जंग लग जाता है ना, तो जंग की वजह से जो कि है नाट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा ऑयल डाल दिए, और जो कि इसका प्रोपेलर का जो भी नाट है हम थोड़ा कस देते हैं इसको, तो इसको सही से नहीं कसेंगे ना भाई तो भाई खुल के निकल जाएगा, फिर दिक्कत है, तो इसको सही से भाई टाइट करना पड़ेगा। तो भाई हमारे प्रोपेलर टाइट कर दिया, अभी देखो फिटिंग हो गया, अभी हम इसको भाई सही से एकदम जो कि इसके ऊपर जो भी जाली है ना, जाली भी हम लगा देंगे, क्योंकि अभी इसको हम चेक करने वाला था, तो हमारे जो कि ऑयल वगैरह सब कुछ हम अभी चेक कर रहे हैं, अभी भाई फाइनली हमारे सब कुछ सही है, मैंने सीरीज बल्ब में अभी चेक कर रहा था, फाइनली हमारे भाई सब कुछ ओके हो गया इधर, ठीक है। अभी इसको हम लगाने का भाई अभी फिटिंग करना है, क्योंकि हमारे सीरीज बोर्ड में थोड़ा भाई करेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया था, और इसमें अभी देखो हमारे जो भी जाली था, तो जाली अभी हम लगा देते हैं, तो ऊपर का जो जाली है तो हम इसको सेफ्टी जाली है हम लगा देते हैं, सही से टाइट कर देते हैं, इधर का जो नाट है ना, तो इधर का जो नाट है इसको भाई सही से हम टाइट कर देते हैं, क्योंकि इसमें लूज नहीं रखना है भाई, नहीं तो भाई खुल जाएगा, ठीक है। और प्रोपेलर और ये ऊपर का जो भी है इसमें कवर है ना ये जाली का, ठीक है, इसको सही से भाई कस के एकदम बांध देना है, और इसको हम सही से देख रहे हैं भाई इसको सभी से फिटिंग हुआ कि नहीं, क्योंकि इधर का, और इसमें नाट में थोड़ा हम क्या कि ना ऑयल दे दिए, क्योंकि उसमें भाई जब ज़्यादातर जब नाट हो जाता है ना तब क्या होता है उसमें जंग लग जाता है, मॉइस्चराइजर जम जाता है, तभी घूमता नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा ऑयल गिरा दिया है, और फैन को थोड़ा हिला कर देख रहा है उसमें कोई पर ढीला ढाला नहीं है ना, तो नहीं तो भाई थोड़ा जब चलता है ना तब घूमता नहीं, अभी इसको चेक करके देखते हैं कारण में भाई फाइनली चलता है कि नहीं हमारा फैन, ठीक है। तो फाइनली अभी इसको स्विच में ऑन कर दिए हैं, और देखो भाई फैन एकदम मस्त तरीके से घूम रहा है भाई, बहुत ही तगड़ी तरीके से, पहले देख रहे थे ना भाई घूम ही नहीं रहा था, अभी मस्त तरीके से घूम रहा है। अभी इसको फाइनल फिटिंग दिखा देता हूँ, देखो भाई आपको घुमा कर दिखा दिया भाई, फैन पहले घूम नहीं रहा था, अभी देखो फाइनल हमारा फैन ओके हो गया, इसमें कंडेंसर और जो कि स्विच का प्रॉब्लम था और कॉइल में थोड़ा प्रॉब्लम था, है ना, बहुत ही अच्छे से घूम रहा अभी। हमारा फैन जो कि बांध के कम्प्लीट हो चुका है ना, तो फैन के अभी कम्प्लीट हो चुका है, मैं इसको एक बार चालू करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा ये वाला बोर्ड जो कि इसमें करंट नहीं आ रहा था, इसमें ख़राब हो चुका है, तो इसी में हम चालू करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, अकेला है ना भाई तो दिक्कत हो रहा है। देखो भाई फाइनली जो कि फैन की देखो आवाज़ सुनो, देखो फैन एकदम बांध के कंप्लीट हो चुका है भाई, एकदम हवा दे रहा है, ठीक है, वही फैन है जो कि आपको दिखाया था, वही वाला फ़ैन है, और ये वाला भी फाइनली रिपेयर हो चुका है कि आपके सामने किया है रिपेयर, तो वही वाला फ़ैन है जो कि आपको दिखाया था, तो भाई एकदम अच्छे से चल रहा है भाई, बहुत ही मस्त हवा दे रहा है अभी, तो जो भी कस्टमर लेकर आया था भाई इसको रिपेयर हो गया, अभी इसको दे देंगे, उसके बदले में वो मुझे को पैसा देगा, बस हो गया रिपेयर, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, एक लाइक ज़रूर कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।